आज का टॉपिक है ऑपरेटर्स इन सी। ऑपरेटर्स होते हैं ऐसे सिंबल्स जो वेरिएबल्स और वैल्यूज पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब ये वेरिएबल्स और वैल्यूज जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उन्हें कहा जाता है ऑपरेंड। अगर एक ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है तो उसे कहते हैं यूनरी ऑपरेटर और मॉडिफाई ऑपरेटर, अदरवाइज ऑपरेटर्स को कहेंगे बाइनरी ऑपरेटर। सी में 7 टाइप्स के ऑपरेटर प्रोवाइड किए गए हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड स्पेशल ऑपरेटर। अब देखते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये दोनों ही यूनरी ऑपरेटर है, मतलब ये एक ही ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है प्लस प्लस, जो ऑपरेंड में 1 ऐड करता है, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है माइनस माइनस, जो ऑपरेंड से 1 सब्ट्रैक्ट करता है। चलिए इसे एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पे ये जो कोड लिखा है उसका आउटपुट होगा 11। प्लस प्लस एक्स वेरिएबल एक्स के वैल्यू में 1 ऐड करेगा, इसलिए आउटपुट होगा 11। इसी तरह अगर हम माइनस माइनस एक्स यूज करते हैं तो वेरिएबल एक्स के वैल्यू से 1 सब्ट्रैक्ट होगा और आउटपुट होगा 9। लेकिन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर दो तरह के होते हैं, आइदर प्री हो सकते हैं या पोस्ट हो सकते हैं। प्री माने प्लस प्लस या माइनस माइनस ऑपरेटर हम वेरिएबल के पहले लिखेंगे, और पोस्ट माने प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर हम वेरिएबल के बाद में लिखेंगे। अब देखते हैं कि पोस्ट इंक्रीमेंट से कोड में क्या चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि ये कोड के हिसाब से आउटपुट होगा 10 और 11, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर स्टेटमेंट कंप्लीशन के बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करेगा। जैसे कि यहाँ int x इज इक्वल टू 10, ये स्टेटमेंट लाइन पे x का वैल्यू है 10। नेक्स्ट printf स्टेटमेंट में हमने यूज किया है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा यानी डिस्प्ले करेगा 10, और फिर x का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। अब x का वैल्यू है 11, इसलिए नेक्स्ट printf स्टेटमेंट में डिस्प्ले करेगा 11 और फिर x का वैल्यू होगा 12। अब देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, इसलिए इसे कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहा जाता है। ये दो वैल्यूज को कंपेयर करके ट्रू या फॉल्स रिजल्ट इवैल्यूएट करेंगे। यहाँ फॉल्स का मतलब है 0 और ट्रू का मतलब है 1 या और कोई वैल्यू। सी लैंग्वेज में जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है वो है ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल, लेस दैन और इक्वल, इक्वल एंड नॉट इक्वल। यहाँ इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इक्वल ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर है और डबल इक्वल ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर है। अब अगर int a इज इक्वल टू 5 और int b इज इक्वल टू 2 है तो a ग्रेटर देन b रिटर्न करेगा ट्रू यानी 1, a लेस देन b रिटर्न करेगा फॉल्स यानी 0, a ग्रेटर देन और इक्वल b ट्रू यानी 1, a लेस देन इक्वल टू b रिटर्न करेगा फॉल्स, a एग्जैक्ट इक्वल डबल इक्वल b रिटर्न करेगा फॉल्स, a नॉट इक्वल टू b ट्रू यानी 1। यहां फॉल्स माने 0 और ट्रू माने 1 होगा। अब देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स दो बुलियन वैल्यूज के साथ यूज होते हैं। जनरली मल्टीपल कंपैरिजंस के साथ ये ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं, क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर्स ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं। अब सी प्रोग्राम में जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो देखते हैं। डबल एम्परसेंड यानी एंड ऑपरेटर, इसका मतलब है
दोनों बुलियन वैल्यूज अगर ट्रू होंगे तो ही रिजल्ट ट्रू होगा। दूसरा, डबल पाइपलाइन यानी और ऑपरेटर, इसका मतलब है कि कोई भी एक बुलियन वैल्यू ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा। तीसरा, एक्सक्लामेशन यानी लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ये रिजल्ट को रिवर्स करेगा। इस कोड में x का वैल्यू है 10 और y का वैल्यू है 1। हमने लिखा है z इज इक्वल टू x लॉजिकल एंड y। यहाँ x का वैल्यू अदर देन 0 यानी ट्रू है और y का वैल्यू भी अदर देन 0 यानी ट्रू है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर में अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू यानी 1 होगा, इसलिए z का वैल्यू होगा 1। प्रिंटेफ स्टेटमेंट 1 डिस्प्ले करेगा। अब हमने x और y का वैल्यू डिक्रीमेंट किया, इसलिए x का वैल्यू है 9 और y का वैल्यू है 0। हमने लिखा है z इज इक्वल टू x लॉजिकल एंड y। यहाँ x का वैल्यू अदर देन 0 यानी ट्रू है, लेकिन y का वैल्यू 0 यानी फॉल्स है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर में अगर दोनों वैल्यूज ट्रू होंगे तो ही रिजल्ट ट्रू होगा, लेकिन y का वैल्यू तो 0 है, इसलिए z का वैल्यू होगा 0। अब देखते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, जो वैल्यूज को रिवर्स करेगा। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर होता है, यानी एक ही ऑपरेंड पे काम करता है। यहाँ इस कोड में हमने लिखा है x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0। अब लिखा है z इज इक्वल टू लॉजिकल नॉट ऑपरेटर x। अब x का वैल्यू है 10, मतलब ट्रू वैल्यू है, इसका उल्टा मतलब 0, सो z का वैल्यू होगा 0। तो ये प्रिंटेफ स्टेटमेंट डिस्प्ले करेगा 0। अब हमने लिखा है z इज इक्वल टू लॉजिकल नॉट y। अब यहाँ पे y का वैल्यू है 0, मतलब फॉल्स, इसका उल्टा होगा ट्रू, सो z का वैल्यू होगा 1 यानी ट्रू। अब देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये होते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स जो मैथ्स ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एडिशन के लिए प्लस, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक, डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश, रिमाइंडर या शेष बाकी के लिए परसेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कोड देखते हैं। यहाँ इस कोड में हमने x वेरिएबल का वैल्यू 12 और y वेरिएबल का वैल्यू 3 लिखा है। अब हमने इस स्टेटमेंट से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस के लिए वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। इसके बाद हमने इन स्टेटमेंट्स के साथ मैथ्स ऑपरेटर यूज करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर के ऑपरेशंस परफॉर्म किए। अब प्रिंटेफ स्टेटमेंट यूज करके इन कैलकुलेटेड वैल्यूज को कंसोल पे प्रिंट किया है। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। एडिशन का आउटपुट होगा 15, 12 प्लस 3 15। सब्ट्रैक्शन के लिए आउटपुट होगा 12 माइनस 3 यानी 9। मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट होगा 36। डिवीजन 12 डिवाइड बाय 3 का आउटपुट होगा 4। रिमाइंडर हो जाता है 0, क्योंकि शेष बाकी रहता है 0, तो मॉड्यूलस का आउटपुट आएगा 0। अब देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज करके हम बाइनरी ऑपरेशंस कर सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग में 6 बिटवाइज ऑपरेटर्स दिए गए हैं। एम्परसेंट फॉर एंड ऑपरेटर, दैट इज बिटवाइज एंड ऑपरेटर, पाइपलाइन फॉर बिटवाइज और ऑपरेटर, कैरेट फॉर बिटवाइज एक्स और ऑपरेटर, टिल्ड मीन्स बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, दो ग्रेटर दैन फॉर राइट शिफ्ट ऑपरेटर, दो लेस दैन फॉर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो चलिए बिटवाइज ऑपरेटर एग्जाम्पल के साथ देखते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर। अगर हमने लिखा इंट आंसर इज इक्वल टू 11 बिटवाइज एंड 9, तो आंसर वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा। इसके लिए 11 जो डेसिमल नंबर है उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। ये करने के लिए
हम मल्टीपल्स ऑफ टू का टेबल क्रिएट करेंगे, जैसे कि 1, 2, 4, 8, 16। लेकिन 16 नंबर 11 से ज्यादा है तो 8 तक ही लिखेंगे। अब 8 के नीचे 1 लिखेंगे और 11 में से 8 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर मिलेगा 3। अब इस टेबल में 3 से कम या नजदीक वाला नंबर देखना होगा तो वो है 2। 2 के नीचे 1 लिखेंगे और 3 में से 2 माइनस करेंगे, आंसर मिलेगा 1। अब देखना है 1 का इक्वल या कम नजदीक वाला नंबर, तो यहाँ पे दिख रहा है 1, उसके नीचे लिख दिया 1 और 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो स्टॉप करना है। अब बीच बीच में जो नंबर्स बाकी है उसके नीचे लिख देंगे 0, 4 के नीचे आ जाएगा 0। डेसिमल 11 नंबर के लिए हमारा बाइनरी नंबर होगा 1011। इसी तरह 9 का बाइनरी कन्वर्जन करेंगे। अब 9 का नजदीक वाला या कम नंबर है 8, इसलिए 8 के नीचे 1 लिखेंगे। अब 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर मिला 1, इसलिए 1 के नीचे 1 लिखा। अब 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 मिलेगा, यहाँ पे स्टॉप करना है। अब जो बाकी के नंबर है उसके नीचे लिख दिया 0, इसलिए 4 और 2 के नीचे लिख दिया 0। तो 9 नंबर के लिए हमारा बाइनरी नंबर होगा 1001। एंड ऑपरेशन करने के लिए इन दोनों नंबर्स को एक के नीचे एक लिखना है। एंड ऑपरेशन में दोनों 1 होंगे तो ही आंसर 1 होगा, अदरवाइज आंसर होगा 0। तो यहाँ पे 1 and 1 होगा 1, 1 and 0 होगा 0, 0 and 0 होगा 0 और 1 and 1 होगा 1। अब इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 1001 मतलब 9 है। देखते हैं बिटवाइज और ऑपरेटर। अगर हमने लिखा इंट आंसर इज इक्वल टू बिटवाइज और 9, अब बाइनरी के हिसाब से 11 होगा 1011 और 9 होगा 1001, तो बिटवाइज और का आंसर क्या होगा? बिटवाइज और ऑपरेटर में दोनों में से कोई भी एक नंबर 1 या फिर दोनों नंबर 1 है तो आंसर होगा 1। अब यहाँ पे दोनों 1 है तो लिखेंगे 1। अब एक 1 है और एक 0 है तो लिखेंगे 1। अब दोनों 0 है तो लिखेंगे 0। अब फिर से दोनों 1 है तो लिखेंगे 1, तो आंसर है 1011, यानि डेसिमल में 11। अब देखते हैं बिटवाइज XOR ऑपरेटर। अगर हमने लिखा इंट आंसर इज इक्वल टू 11XOR 9 तो क्या आंसर होगा? बिटवाइज XOR ऑपरेटर में दोनों में से एक नंबर 1 है तो ही रिजल्ट 1 होगा, अगर दोनों नंबर 1 है तो रिजल्ट होगा 0। तो आंसर सॉल्व करते हैं। अब बाइनरी के हिसाब से 11 होगा 1011 और 9 होगा 1001, तो आंसर है 0010। यहां पे दोनों 1 है तो आंसर होगा 0। अब एक 1 है और एक 0 है तो आंसर रहेगा 1। अब दोनों 0 है तो 0। अब दोनों 1 है तो आंसर होगा 0। अब इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो टेबल लिखेंगे 1, 2, 4, 8। अब करेंगे मल्टीप्लाई, 8 into 0, 0, 4 into 0, 0, 2 into 1, 2, 1 into 0, 0। अब इनका एडिशन करेंगे तो आंसर आएगा 2। इसलिए 11XOR 9 का आंसर है 2। अब देखते हैं बिटवाइज राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लिखा इंट आंसर इज इक्वल टू 8 राइट शिफ्ट ऑपरेटर 2, तो यहां हमने राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज किया है जो दो बिट्स राइट साइड से डिलीट करेगा। जैसे कि 8 नंबर का बाइनरी है 1000, तो दो बिट्स डिलीट करेंगे और उसके बाद
बाइनरी वैल्यू होगा 10, यानी डेसिमल वैल्यू है 2। अब अगर हमने लिखा इंट आंसर इज इक्वल टू 8 लेफ्ट शिफ्ट 3, तो यहां हमने यूज किया है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जो 3 बिट्स राइट साइड में ऐड करेगा, मतलब 3 जीरो राइट साइड में ऐड हो जाएगा। जैसे कि 8 का बाइनरी है 1000, तो 3 बिट्स ऐड करने के बाद बाइनरी वैल्यू होगा 1000, उसके बाद 3 जीरोस, तो आगे 000, यानी डेसिमल वैल्यू अब क्या होगा 1 2 4 8 16 32 64, तो डेसिमल वैल्यू है 64। अब देखते हैं बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। बिटवाइज नॉट ऑपरेटर में हमें बाइनरी नंबर में प्लस 1 करना है और फिर उसे निगेट करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने लिखा इंट एक्स इज इक्वल टू 10 और उसके बाद लिखा है इंट आंसर इज इक्वल टू टिल साइन, जो बिटवाइज नॉट ऑपरेटर का साइन है टिल एक्स, तो आंसर क्या होगा। अब सबसे पहले हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो डेसिमल 10 का बाइनरी है 1010। अब इसमें ऐड करेंगे 1, 0 प्लस 1 होगा 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0 और 1 प्लस 0 1, तो आंसर आया 1011, जिसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 11। अब फॉर्मूला के हिसाब से इसको निगेट करना है तो आंसर होगा -11। अब देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। सी प्रोग्रामिंग में इक्वल टू ऑपरेटर जिससे वैल्यू असाइन होता है उसे कहेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के दो पार्ट्स होते हैं, एल वैल्यू और आर वैल्यू। एल वैल्यू होता है वेरिएबल जिसे आर वैल्यू सौंपा जाता है। ये आर वैल्यू हो सकता है कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फिर और कोई दूसरा वेरिएबल। जैसे कि इस कोड में एक्स वेरिएबल को इक्वल टू ऑपरेटर यूज करके 10 वैल्यू असाइन किया है और वाई को 50 वैल्यू असाइन किया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैथ ऑपरेशन एक्स प्लस 60 यानी 10 प्लस 60 इवेल्युएट होगा और उसका रिजल्ट जो होगा आर वैल्यू वो वाई वेरिएबल को असाइन किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आर वैल्यू है वेरिएबल एक्स, जो एल वैल्यू वेरिएबल वाई को वैल्यू ऑफ एक्स यानी 10 असाइन करेगा। सी प्रोग्राम में हम शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। ये ऑपरेटर्स मैथ्स ऑपरेशन के लिए शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एक्स प्लस इक्वल टू 3 का मतलब है एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस इक्वल टू 2 होगा शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 के लिए। इसी तरह एक्स मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 2 शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन होगा एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 2 के लिए और एक्स परसेंट इक्वल टू 3 शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन होगा एक्स इक्वल टू एक्स परसेंट 2 के लिए। अब देखते हैं स्पेशल ऑपरेटर्स। सी प्रोग्रामिंग में जो स्पेशल ऑपरेटर्स है वो है टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर, पॉइंटर ऑपरेटर एंड मेंबर सिलेक्शन और एक्सेस ऑपरेटर। यहाँ इस वीडियो में हम देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर और कॉमा ऑपरेटर, बाकी के ऑपरेटर्स हम स्ट्रक्चर और पॉइंटर वीडियो के साथ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। क्वेश्चन मार्क के साथ कोलन लिखेंगे तो होता है टर्नरी ऑपरेटर। इसके सिंटैक्स के 3 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला होता है कंडीशन और आगे लिखा जाता है क्वेश्चन मार्क। इस कंडीशन के इवैल्यूएटेड रिजल्ट पे आगे के 2 एक्सप्रेशंस डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन अगर कंडीशन ट्रू रिजल्ट देता है तो जो वैल्यू होगा वो है, इसके आगे लिखा जाता है कोलन, और उसके बाद जो एक्सप्रेशन लिखते हैं वो कंडीशन के फॉल्स इवैल्यूएशन का वैल्यू है। फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन है एक्सेप्ट नंबर
एंड चेक वेदर इट इज न्यूट्रल और नॉट। तो सबसे पहले हम नंबर को एक्सेप्ट करेंगे। अब लिखेंगे कंडीशन। यहाँ अगर एंटर किया हुआ नंबर जीरो है तो कंडीशन का रिजल्ट होगा ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट होगा फॉल्स। अब ट्रू रिजल्ट के लिए डिस्प्ले करना है इट इज न्यूट्रल नंबर, और फॉल्स रिजल्ट के लिए डिस्प्ले करेंगे इट इज नॉट न्यूट्रल नंबर। अब इसे एक्सप्रेशन में लिखते हैं। यहाँ वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद हमने scanf कमांड यूज किया है जो नंबर को इनपुट करेगा। अब ट्रू और फॉल्स दोनों इवेल्युएटेड रिजल्ट पे हमें स्ट्रिंग वैल्यू डिस्प्ले करना है, इसलिए हमने printf कमांड यूज किया। यहाँ परसेंटेज स्ट्रिंग वैल्यू का फॉर्मेट स्पेसिफायर है, स्ट्रिंग यानी मल्टीपल कैरेक्टर्स। अब वैल्यू इवेल्युएशन के लिए यूज करेंगे टर्नरी एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले है कंडीशन जो है नम एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो। अब आगे लिखना है क्वेश्चन मार्क। अब कंडीशन के ट्रू इवेल्युएटेड रिजल्ट के लिए लिखेंगे इट इज न्यूट्रल नंबर। अब कोलन के साथ फॉल्स इवेल्युएटेड रिजल्ट का वैल्यू लिखना है जो है इट इज नॉट न्यूट्रल नंबर। अब देखते हैं कॉमा ऑपरेटर। वेरिएबल डिक्लेरेशन में कॉमा ऑपरेटर सेपरेटर का काम करता है। जैसे कि यहाँ मल्टीपल वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए हमने कॉमा ऑपरेटर यूज किया है। एक से ज्यादा वेरिएबल सेम डेटा टाइप के हैं तो कॉमा ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अब अगर हम कॉमा ऑपरेटर को एक्सप्रेशन में यूज करेंगे तो वो लेफ्ट टू राइट बिहेव करेगा। जैसे कि इस कोड में हमने वेरिएबल ए बी और सी डिक्लेयर किया, नेक्स्ट लाइन में हमने कॉमा ऑपरेटर के साथ स्टेटमेंट लिखा है। अब जैसे कि हमें पता है ये लेफ्ट टू राइट बिहेव करेगा, इसलिए सबसे पहले वेरिएबल ए को 10 वैल्यू असाइन होगा, फिर वैल्यू 5 असाइन होगा वेरिएबल बी को, और सबसे बाद होगा राइट मोस्ट एक्सप्रेशन जो है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो सी वेरिएबल का वैल्यू होगा 10 + 5 दैट इज 15। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये एक्सप्रेशन हम ब्रैकेट में लिखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑपरेटर्स का प्रिसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी।